इधर भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में आए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने आदिवासी संगठनों द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि भूपेश सरकार ही आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा के कार्यकाल में इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में आदिवासियों के हित में कोई भी डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया। पैसा कानून के सही क्रियान्वयन नहीं होने के मसले पर लखमा ने कहा कि अभी ये कानून शिशु अवस्था में है और उसमें आदिवासी समुदाय के हित के लिए जो भी आवश्यक सुधार होंगे वो धीरे धीरे किए जाएंगे। आरक्षण हमारा विशेष अधिकार है। आरक्षण 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसका दोषी कोई है? आदिवासी को पेट में कोई लात मारा है? केदार कश्यप, विक्रम उसंडी और रामबिसार नेता रमन सिंह, ये तीनों मिल के आरएसएस लोग मिल के आदिवासी का 32% आरक्षण कम किया है। 2011-12 में 13 में हाई कोर्ट नोटिस दिया, ननकीराम कोर कमेटी बना, मुख्य सचिव का कमेटी बना, वह डाटा ही पेश नहीं कर पाए, शपथ पत्र नहीं दे पाने कारण कोर्ट ने निरस्त किया है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री उस दिन से बोल रहा है मैं आदिवासी के साथ खड़ा हूँ, मैं भीमराव अम्बेडकर का कानून के साथ खड़ा हूँ, आदिवासी को 32% मिलेगा। पैसा कानून डाटा ही नहीं बना, अभी पैसा कानून बना है। बच्चा पैदा होते समय स्कूल नहीं जाता है, उसको 4 साल घर में रहना पड़ता है। अभी नया काम है, उसको चूजर देने का अभी रास्ता खुला है। रास्ता खुलने के बाद ही तो हम वो जोड़ना घटाना आगे बढ़ाने का काम करेंगे।